हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि जब वो जेल में गए और क्यों गए वो भी वाकया मशहूर है। आपके संदूक में नीचे बंदूक थी और ऊपर किताबें रखी हुई थी। चूंकि उस दौर में किसी के पास बगैर लाइसेंस के बंदूक होती तो उसके लिए फांसी की सजा थी। क्या थी भाई? और हजरत के पास लाइसेंस नहीं था लेकिन बंदूक रखी हुई थी, और उसको छुपाने के लिए बड़े संदूक के तह में बंदूक रखकर ऊपर किताबें रख दी थी। और अगली बात भी गौर से सुनो, बहुत से पांव दबाने वाले, खिदमत करने वाले, वो सीआईडी का काम भी करते हैं, हाँ इसका भी ख्याल रखना। और फिर वो शागिर्दों से ये काम लेते हैं, लालच बुरी बला है ना। तो रिपोर्ट मिल गई, अंदाजा लगाओ कितनी संदूक तो खुफिया होती है ना घर में, फिर किताबों के नीचे बंदूक। किसी खास आदमी कोई खबर थी, खबर मिल गई अंग्रेज को कि इनके पास बंदूक बगैर लाइसेंस के है, गिरफ्तारी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। जब जेल में गए तो कैदी तो वैसे ही बेचारे मगमूम होते हैं, परेशान हाल होते हैं, तो हजरत ने नमाज के बाद जिक्र जारी शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब जर्ब लगने लगी आहिस्ता आहिस्ता वो जेल के कैदी सारे आकर हजरत से बैत हो गए। हर कमरे में ला इलाहा इल्लल्लाह की जर्ब लग रही है। और फरमाया बस ये जन्नत में जाने का रास्ता है, मन कल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दखल अल जन्नत। सारे खुश हैं, बड़े खुश हैं पूरे कैदी। तो सुप्रिंटेंडेंट जेल ने ऊपर शिकायत कि भाई इस कैदी का मुकदमा जल्दी फारिग करो, इसने तो जेल जेल खत्म कर दी, तो जन्नत बना दी। सारे खुश हैं, किसी को गम ही नहीं है कि बस हम जन्नत में जाएंगे। तो फौरन पेशी हुई, जज ने पूछा आपके पास बंदूक है बगैर लाइसेंस के? आपको जब गिरफ्तार किया ना तो संदूक को भी गिरफ्तार किया, संदूक चूंकि वहीं से तो मुकदमा पूरा होगा। संदूक सामने रखी और पूछा कि बताइए इस संदूक में आपने बगैर लाइसेंस के बंदूक रखी है? उन्होंने ये नहीं कहा है, अगर है बंदूक निकलेगी तब भी वो क्या होगा, हाँ जी फांसी होगी। और झूठ भी नहीं बोल सकते कि नहीं है। फरमाया देख लो। और से सुनो क्या कहा, देख लो। तो उस जज ने कहा ठीक है ताला खोलो। ताला खोला गया तो उसने कहा किताबें हटाओ। एक तह, दो तह, तीन तह जब किताबें हटी तो अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसने कहा वापस रखो किताबें, कोई नीचे बंदूक नहीं है। जज कह रहा है और वो सीआईडी कह रहा है सर नीचे बंदूक है। उसने कहा कुछ सोई है, अगर नीचे बंदूक होती तो जो जो किताबों की तहें हैं ये तो ऊपर नीचे होती ना, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए कोई बंदूक नहीं है। वो चीखता रहा सर नीचे बंदूक है। जज ने कहा नहीं किताबें वापस रखो, कोई बंदूक नहीं है। ये सब किसकी बरकत थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत रिहा हो गए और संदूक बमाए बंदूक के घर पहुंच गई।